लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नया दिल में आना रे, क्या हवा मार रहा है बाप? आइए आइए हमारी नई दुकान की ग्राहक नंबर वन। ये गाड़ी का पंखा क्या कीमत होगी इसकी? बिल्कुल मुफ्त, सिर्फ 200 रुपए। अच्छा है, मान दो। सुनिए, आज हमारी दुकान का पहला दिन है, इसलिए हम हमारी चीजों को सस्ते दामों में बेचना चाहते हैं। अगर ये पंखा आपको पसंद है तो आप इसे 100 रुपए में ले सकती हैं। ठीक है, देखिए राशन की दुकान के सामने हमारी टैक्सी खड़ी रहती है, नंबर है MMQ 4923, आप उसमें लगा दीजिए। टैक्सी नंबर MMQ 4923। आपका नाम? अरे नाम तो बताया नहीं। बैटरी, तू जानते हैं नाम? नहीं बॉस, हम भी नए टायर की तरह बिल्कुल नया है इस बस्ती में। अंकल मैं पुराना हूँ, सबको जानता हूँ। ये है सीमा दीदी, राजू भैया की दीदी। अच्छा, राजू भैया के जीजाजी को भगवान ने अपने पास बुला लिया, तब से ये राजू भैया के साथ ही रहती हैं। बहुत अच्छी दीदी है, मुझे रोज चॉकलेट देती है। अंकल आप ही तो अच्छे हैं। समझ गया बैटरी। थैंक यू अंकल। साला बाप का माल समझ रखा है? चल चल बाहर निकल। अबे ये क्या बदतमीजी है, छोड़। पहले तो चोरी करता, उसके ऊपर दादागिरी, तेरी तो क्या बात है बॉस, एक ही हाथ में सारे स्क्रू ढीले। आपने पंखा लगा दिया? जी नहीं, लगा ही रहा था कि डेंजर लाइट आ गया। हमने स्विच ऑफ कर दिया। राजू 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 कौन? मेरा भाई। आपका भाई? सॉरी, अभी देख क्या रहा है, पानी लेकर। राजू 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 तू ठीक तो है ना? ये आपका भाई है? हाँ मेरा छोटा भाई। अरे अरे राजू राजू अरे क्या कर रहा है? दीदी वही चोर है जो मेरे टैक्सी में चोरी कर रहा था, दूंगा इसको अभी। क्या कह रहा है? ये तो कैप्टन जसवंत कुमार है, मैंने इनसे कहा था तुम्हारी टैक्सी में पंखा लगा दे। पंखा 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 ये परिचय भी खूब रहा। मैं हमेशा कहता हूँ कोई मानता ही नहीं कि मुक्का लात के बाद जो मुलाकात होती है बड़ी पक्की होती है। पानी, ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी है मेरे दिल। हाँ हवा। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? अरे मार दिया, अरे मार दिया। चमकी तू? अरे मेरे उत्तम कुमार दादा, ये क्या किया राजू? मेरे क्या किया? पुलिस को बुला, पुलिस को बुला। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? चमकी मैं जानता हूँ तेरी चाल है, जल्दी से उठ जा। पिटवाएगी क्या? हाँ क्या? रुको रुको, हाँ हाँ रुक जा। पहले से टैक्सी में डालकर जल्दी से अस्पताल ले चलो, ले चलो। अरे पुलिस को बुला, अभी तक पुलिस नहीं आई है। हुआ क्या? अरे जल्दी भागो यहाँ से, मैं अस्पताल में फोन करता हूँ। जल्दी से निकल जाओ राजू भैया। अरे अस्पताल पहुंचे एक तो जान तो बच जाएगी उसकी। आखिर हुआ क्या? पुलिस को बुलाऊं मैं? अच्छा पिटवाएगी मुझे? ठहर कोने तक पहुंचने दे, अच्छा मजा चखाऊंगा तुझे। चल चल बहुत नाटक हो गया, निकलती है। अरे आ गई। बड़ी अच्छी है। क्यों रे टिंगू, मेरी भांजी किधर है? भांजी अभी बुला तो। आई मौसी। अरे भांजे, दीनानाथ के घर से क्यों ले आया? हाँ मामा जी, हाँ मामा जी, मैंने तुझे नौकरी पर रखा, मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। हाँ मामा जी। क्या? हाँ मामा जी। मामा जी आपके पास अच्छी क्वालिटी का पापड़ होगा? भाजी सबसे अच्छे पापड़, लिज्जत पापड़, मूंग पंजाबी स्पेशल, गार्लिक चिल्ली। कौन सा? दो
लिज्जत पापड़ की इतनी वैरायटी, सभी दे दीजिए। भांजे ले, डाल दे, डाल दे, 100 रुपया ले जा, ले जा। बालमा तेरा इंतजार। कौन है वे? अरे क्या कर रहा है अंधा क्या? अरे क्या करते छोटा, नहीं तो मैं तेरा टायर पंक्चर कर दूंगा। अरे ये क्या, मैं तो मारुति समझा था, ये तो ट्रक निकले। कौन है भाई? रक्षा मंडल का कैशियर, इसे गुंडे और बदमाशों से बचाने की तनख्वाह लेते हैं। 200 रुपए निकाल कैश। अरे भाई यहाँ तो बीड़ी तक पीने के पैसे नहीं है, मैं मालिक नहीं, असिस्टेंट हूँ, असिस्टेंट। तो मेरा भी असिस्टेंट ही वसूल करेगा। मालिक मैं हूं, मुझसे बात करो। नया पंछी है उस्ताद, और एक पंख भी कटा हुआ है। जानता है हम कौन है? रक्षा मंडल, हफ्ता वसूल करने आते हो? तो फिर देखता क्या है, निकाल हफ्ता। हफ्ता चाहिए आपको? हाँ। ये इस हफ्ते का। ये अगले हफ्ते का। ये तीसरे हफ्ते का। ये चौथा हफ्ता। ये पांचवा हफ्ता। अरे कमीनों, भागते कहाँ हो? अभी तो सिर्फ 5 हफ्ते हुए, साल में 52 हफ्ते होते हैं। हरामखोर, क्या बात है उस्ताद, अब इधर आने का नाम भी नहीं लेंगे साले। अरे क्या कह रहे हो बैटरी भैये, वो लोग जरूर आएंगे। यशवंत भाई, बारूद के ढेर में चिंगारी डाल दी, अब वो लोग पूरी तैयारी करके आएंगे। आने दो, डरता कौन है? तुम क्यों डरोगे, तुम्हारा है ही कौन, न बीवी न बच्चे। हम तो बाल बच्चेदार आदमी है, तुम्हारे किए की सजा हमको भुगतना पड़ेगी। वो हमारे बच्चों को अनाथ कर देंगे और हमारी औरतों को विधवा। कमाने वाला चला गया तो खिलाएगा कौन तू? अरे फौजी करता कहीं और दिखाना, बड़ा बहादुर बड़ा फिरता है, अपाहिज कहीं का। अपाहिज तुम लोग हो, तुम्हारे शरीर पर फालिज पड़ी हुई है, हाथ उठ नहीं सकते, पांव चल नहीं सकते, आंखें हैं मगर फूटी हुई, जबान है मगर आवाज नहीं निकलती। चंद गुंडे आते हैं और लूट कर चले जाते हैं मगर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो लोग आते हैं और तुम्हारी औरतों की इज्जत खराब करके चले जाते हैं और तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो लोग आते हैं और तुम्हारे सुख चैन के घरों में आग लगाकर चले जाते हैं और तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम लोग, तुम का जवाब बुजदिली से देते हो, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी इज्जत सब मर चुकी है। तुम लोग अपने आप को जिंदा कहते हो, तुम लोग तो मुर्दे हो, अरे तुम लोग तो सड़ी हुई लाशें हो। अब आएंगे पीटर और उसके आदमी, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। चुप रहो, क्या तुम इतने गिर गए हो कि अब तुम्हें उठने की इच्छा भी नहीं? जसवंत जी ठीक कह रहे हैं, हम कमजोर नहीं हैं, कमजोर बनाए गए हैं। हम अपने दिल से डर निकाल दें और मिलकर मुकाबला करें
तो ये 20-25 गुंडे हमसे डरकर भाग जाएंगे। शांति नगर में वाकई शांति हो जाएगी। अरे चलो भाई, चलो 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 चलो। बात आई है का?